नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं रोहित सावल। यूपी चुनावों का सबसे बड़ा शो क्या कहता है, यूपी में आपका स्वागत है। हर विधानसभा सीट के सबसे सटीक विश्लेषण करने वाले इस शो में आज हम बात करेंगे शामली और हापुड़ की, सभी सीटों की। 2012 में किस पार्टी का शामली और हापुड़ में रहा दबदबा, इस बार कौन सा प्रत्याशी शामली और हापुड़ के सियासी रण में उतरा है और क्या होंगे इस बार के चुनावी मुद्दे, अगले आधे घंटे पर इन्हीं सभी मुद्दों पर लखनऊ में अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और विश्लेषण की, आखिर कौन बनेगा शामली का शहंशाह और किसका होगा हापुड़ पर हक। तो बहरहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे सहयोगी अतुल प्रताप मौजूद रहेंगे दिल्ली स्टूडियो से, वीडियो वॉल से, और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे, अजय कुमार जी हमारे साथ रहेंगे, और इसके अलावा प्रभात त्रिपाठी साहब मौजूद रहेंगे लखनऊ से। आप दोनों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले 2012 में शामली में किस तरह के नतीजे थे इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अतुल शुक्रिया, तो हम दिखा दें अपने दर्शकों को कि 2012 में नतीजे क्या थे। शामली में कुल 3 सीटें हैं और उस वक्त बीजेपी के दामन में 2 सीटें गई थी और कांग्रेस ने 1 सीट यहां पर जीता था। रोहित बिल्कुल, बवाल। अब बात करते हैं इस बार शामली के रण में कौन कौन उतरा, एक बार फिर अतुल का रुख करेंगे। अतुल जी हाँ, अगर हम बात करें कि इस बार कौन कौन मैदान में है तो शुरुआत हम करते हैं यहां पर, देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस से इस वक्त यहां पर पंकज कुमार मलिक हैं, जो कि पंकज कुमार मलिक मौजूदा विधायक भी हैं। उसके साथ साथ अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करें हम यहां पर, इस वक्त मोहम्मद इस्लाम है मैदान में बीएसपी से और ये फिलहाल पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से तेजेंद्र यहां पर इस वक्त मैदान में है और आरएलडी की तरफ से बात करें तो आरएलडी की तरफ से चुनाव मैदान में विजेंद्र मलिक है। रोहित अजय जी, क्या कहना आपका अगर शामली की हम बात करें, किस तरह की लड़ाई इस बार आपको देखने को मिल रही है क्योंकि अब सब प्रत्याशी सामने हैं। अजय जी, रोहित ये कुरुक्षेत्र है, हरियाणा से मिला हुआ क्षेत्र है और यही कर्ण भी पैदा हुए थे जी। लेकिन पिछली बार इस समय वर्तमान वहां के जो विधायक हैं पंकज मलिक, वो गठबंधन पे आए हैं कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर। देखिए ये क्षेत्र है, ये गुजर बाहुल्य है शामली, और सबसे बड़ा शामली की चीनी मिल भी वहां पर है। इसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट जो बसपा ने उतारा है मोहम्मद इस्लाम, वो है, और बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल और रालोद के विजेंद्र सिंह मलिक, यहां रालोद ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, मलिक है वो जाट है। और इस समय जो सिचुएशन ये है कि अभी आज नामांकन की वापसी है, पहले चरण में यहाँ पर मतदान है, चूंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट है और वो बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी का दलित और मुस्लिम अगर एकजुट होता है किसी भी स्थिति में तो यहाँ सीधा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज में सीधा संघर्ष होगा, क्योंकि ये क्षेत्र हिंदू पलायन के नाम पर भी जाना गया है। शामली का जो चीनी मिल है वहां पर बहुतों का भुगतान गन्ना की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं यहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच होगा और इसमें बहुत हद तक आरएलडी वोट काटने में सक्षम होगा वो बसपा का। तो एक चीज है यहाँ पर, कांग्रेस का जो अपना वो है वो ज्यादा सक्षम नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ सीधा मुकाबला। अजय जी आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, प्रभात त्रिपाठी साहब आप किस तरह से देखते हैं शामली के रण को? देखिए रोहित जी, एक ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि एक कैराना लोकसभा सीट में जिस तरीके से शामली आता है, और शामली का इतिहास रहा है कि शामली में आपको याद होगा कि प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पे शामली था प्रति व्यक्ति आय के मामले में, और वहां पे जो बनिया वर्ग है, जो बनिया वोटर है, वो पूरी तरीके से एक बहुत बड़े चुनाव को प्रभावित करता है। ऐसे में जब 3 लाख मतदाता की यह विधानसभा है, उस स्थिति में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है तो मेरा यह मानना है कि देखिए हुकुम सिंह बीजेपी से सांसद है कैराना से, और हुकुम सिंह के साथ जब कांग्रेस में हुकुम सिंह थे तो कांग्रेस यहां से जीतती आई, हुकुम सिंह जब बीजेपी में आए बीजेपी जीतती आई, तो जिस तरीके से पंकज कुमार को समाजवादी पार्टी ने, ये मलिक ने पहले सिटिंग एमएलए थे, इन्होंने ये सीट जीती थी और 2,500 के अंतर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हार गया था 2012 के विधानसभा चुनाव में। अब जब पंकज मलिक
को लगभग 30% वोट मिले थे और 22% समाजवादी पार्टी को मिले थे। अब जब ये गठबंधन हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो ऐसी स्थिति अगर दोनों परसेंटेज को 2012 के जोड़ के देखें तो 50% वोट होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मोदी फैक्टर चलते गए, कैराना और मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा में एक जातिगत आधार पे वहां पे चुनाव हुआ और सांप्रदायिक हिंसा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज बीजेपी को वोट पोलराइज करने का एक मौका मिला, तो मुजफ्फरनगर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में मतदाता जो है पूरी तरीके से ये देखेगा कि क्या विकास देखे। ये एक जाट बहुल क्षेत्र भी है, जब महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ की राजनीति करते थे तो क्राइम स्तर भी यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत की राजनीति के बाद अपराध बढ़ा, लगातार शामली में अपराध बढ़ा। ऐसी स्थिति में गन्ना किसान भी एक डिसाइडेड फैक्टर होगा। आरएलडी को बहुत कम परसेंट वोट मिले थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसा अजय भाई ने कहा कि मुकाबला बीजेपी और बीएसपी का होगा, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति कांग्रेस के साथ मिलकर और बीएसपी और बीजेपी में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। ऐसी स्थिति में ताज किसके सिर जाएगा शामली का, ये तो वहां का मतदाता तय करेगा। क्या वो अपराधियों को यानी प्रभात जी आपका कहना है कि त्रिकोणात्मक मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है, क्योंकि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अजय जी का कहना है सीधा मुकाबला दोनों पार्टियों पर। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर अतुल का रुख करेंगे। अतुल, मैं चाहूंगा कैराना सीट की बात करते हैं, वहां बताइए किस तरह की तस्वीर वहां पे है। जी हाँ, अगर कैराना की हम बात करें तो देखिए यहां पर समाजवादी गठबंधन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से नाही दसन को उतारा गया मैदान में, मौजूदा विधायक भी हैं। अगर बात करें हम यहां पर अगले कैंडिडेट की यानी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से दिवाकर कश्यप सहारनपुर के रहने वाले हैं और ये तृणमूल कांग्रेस के मैदान में थे लोकसभा चुनाव में, जमानत जब्त हो गई थी। मृगांका सिंह बीजेपी की तरफ से हैं, पहचान इनकी इनके खुद के पिता हैं, बाहर की बाहर से पढ़ाई की है लेकिन पिता की पहचान है। उसके बाद आखिरी अगर हम बात करें आरएलडी की, अनिल चौहान यहां से आरएलडी के शुक्रवार को बीजेपी छोड़कर आए, पूरे जीवन रहे और हुकुम सिंह के भतीजे लगते हैं। ये है तस्वीर यहां की रोहित। बिल्कुल, तो कैराना की आपने तस्वीर दिखाई। अजय जी क्या कुछ कह रहे हैं कैराना का, क्योंकि कैराना बड़ी महत्वपूर्ण सीट इस बार, चाहे पलायन की बात हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो, हुकुम सिंह की साख दांव पर यहां पर लगी है। किस तरह से देखते हैं यहां की जंग को आप? रोहित, 2014 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो उसका पहला फेज जो था वो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था और वहां पर मुजफ्फरनगर कांड की जो ध्रुवीकरण हुआ था जिसके कारण, और वही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल मिलकर 73 सीटें ले गई। कैराना उसका एक मुख्य अंग है। यहां 1,00,000 मुस्लिम मतदाता है इस क्षेत्र में, 3,00,000 की पॉपुलेशन में 1,30% के आसपास ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगी है वो है हुकुम सिंह की। वो गुजर समुदाय से आते हैं हुकुम सिंह, और हुकुम सिंह के ही एक रालोद से भी अनिल चौहान उनके जाने पहचाने चेहरे रालोद से खड़े हो गए, और उनकी बेटी जो है वो मृगला सिंह जो है वो भाजपा से है। सपा ने यहाँ अपने ही वर्तमान प्रत्याशी जो है वो मोहम्मद नाहिद हसन पर ही दांव लगाया है। देखिए जो सिचुएशन है इस समय, वोटों का ध्रुवीकरण होगा निश्चित रूप से, इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण होगा। वैश्य समुदाय का एक बहुत बड़ा वोटर यहाँ है, पर कैराना से ही पलायन की बात हुई, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, तो मैं तो यही समझता हूँ कि यहाँ हुकुम सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सांसद होने के नाते वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ संघर्ष त्रिकोणात्मक होगा रोहित। त्रिकोणीय जंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी साहब, क्या आप किस तरह से देखते हैं कैराना में किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर हुकुम सिंह के जो भतीजे हैं अनिल चौहान वो बागी हुए बीजेपी से और आरएलडी से, वो ताल ठोक दी उन्होंने अपने यानी चाचा के खिलाफ, एक तरह से ये बात कह सकते हैं, किस तरह की जंग आप यहां पर देखते हैं? देखिए रोहित जी, कैराना सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, एक गुर्जर बेल्ट की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। मुसलमान और गुर्जर समान अनुपात में है, ऐसी स्थिति में जो गुर्जर मुसलमान है वो मुस्लिम मतदाता के पक्ष में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, लेकिन जो गुर्जर जो आपका गरीब वो मतदाता वो जो है, देखिए हुकुम सिंह ने अपनी बेटी को मैदान में उतारा है। ऐसी स्थिति में अगर अनिल चौहान
और मेडिका सिंह की जो टक्कर होगी वो आमने सामने होगी, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि अगर कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है तो वोट का ध्रुवीकरण होगा, लेकिन कैराना की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से जिस तरीके से वोट पोलराइज करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आई है, उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है इस विधानसभा चुनाव में होगा। और ऐसी स्थिति में आप नाहिद हसन को भी आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आप अगर टक्कर बीजेपी और अनिल चौहान लोकदल बता रहे हैं या जो भी विश्लेषक बता रहे हैं, लेकिन नाहिद हसन की पोजिशन आप उसको कम आग नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी आपका कहना आप भी अजय जी की तरह यहाँ पर त्रिकोणात्मक जंग देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर एक उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि आ जाती है कि किस उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि क्या है, क्या उसने क्षेत्र में काम किया है, क्या वो कोई अपराधी तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रभात जी, तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी सीट जो शामली में पड़ती है वो सीट का नाम है थाना भवन। अतुल से के पास चलते हैं। अतुल बताइए, थाना भवन में कौन कौन चुनावी ताल ठोक रहा है? जी हाँ, अगर थाना भवन की बात करें तो समाजवादी पार्टी से शुरुआत करते हैं। सुधीर पवार हैं यहाँ पर मैदान में, प्रोफेसर हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय में और पहली बार चुनावी मैदान में है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर अब्दुल राव बारिस बीएसपी की तरफ से है, पहले एक बार आरएलडी से विधायक रह चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें तो सुरेश राणा, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, बड़ा नाम है, मौजूदा विधायक भी। और उसके बाद आखिरी में अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी की तरफ से जावेद राव है चुनावी मैदान में, अब नए नए आए हैं या इनको जयंत चौधरी ने पार्टी ज्वाइन कराई। रोहित जी, अजय जी क्या कहेंगे, थाना भवन में किस तरह का गणित लग रहा है आपको, क्या कहते हैं सियासत का गुणा भाग? देखिए, ये भाजपा की अपनी सीट रही है, सुरेश राणा यहाँ से विधायक है वर्तमान में भी, और वो फिर भाजपा की सीट से ही इस क्षेत्र में अपना भाग्य अजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है इसमें 3,10,000 की जनसंख्या वाला वो मतदाताओं वाला ये क्षेत्र है और 90,000 इसमें मुस्लिम मतदाता है, 40,000 के लगभग जाट है और 60,000 दलित है, ठाकुर 20,000। तो इसमें जो है एक मुस्लिम प्रत्याशी को बसपा ने उतारा है, उनका नाम है अब्दुल राव वारिस, ये हैं। इसलिए सीधी देखिए, रालोद का तो अब वहां कुछ है नहीं, ये आप मान करके चलिए, रालोद की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में, पिछली बार रालोद को 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिल गई थी, लेकिन उसको ये उम्मीद थी रालोद की कि वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन में आएगी, इसलिए अब जावेद राव वहां है रालोद से, वो थोड़ी बहुत वोट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सुरेश राणा जो है वो काफी तेज तर्रार है और ध्रुवीकरण के माहिर हैं। निश्चित रूप से ये हिंदू मुस्लिम का अगर यहाँ पर फैक्टर हो गया तो दोनों में की टक्कर होगी, राणा की और वारिस की। तो इस टक्कर में क्या होगा ये परिणाम तो 11 मार्च को ठीक है, यहाँ पर आप सीधी टक्कर अजय जी देख रहे हैं, प्रभात त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। अजय जी आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, प्रभात जी आपका क्या कहना है थाना भवन को लेकर? देखिए रोहित जी, थाना भवन विधानसभा क्षेत्र का सीधा सीधा एक गणित है कि सुरेश राणा एक ऐसा व्यक्ति है कि जो वोट को हमेशा ध्रुवीकरण करता रहा, हिंदुत्व, देखिए हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है वो सुरेश राणा के इर्द गिर्द घूमती है। सुरेश राणा के ऊपर कई बार इस तरीके के आरोप लगे, मुकदमा तक दर्ज हुआ चुनाव के दौरान और वो विधानसभा में आते रहे। ऐसी स्थिति में बीएसपी ने इस बार अपने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने के बाद जिस तरह उन्होंने एक मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन यहां यह भूलना नहीं होगा कि जाट और दलित वोट जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के आधार पे विधानसभा प्रत्याशी को मिला था, अगर दलित का कम्युनिकेशन पूरा एक गणित जो है भाजपा बिगाड़ने में कामयाब हो गई तो हिंदू और दलित ये पूरा मिलके और बीजेपी को पूरी तरीके से सुरेश राणा को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन सुरेश राणा को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने उतारा है वो भी एक बीएसपी गणित बिगाड़ने के लिए कि किसी भी सूरत में इस बार बीएसपी अपनी सीट पे कब्जा करे थाना भवन में, उन्होंने एक मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो जाट गुजर और आसपास की जो छोटी छोटी जातियां हैं, ये छोटी जातियों के जो समीकरण है ये किस आधार पे और किसके साथ जुड़ते हैं ये एक देखने की बात है। और पूरी तरीके से मेरा यह मानना है
कि शामली, थाना भवन, कैराना, ये एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच में तीनों विधानसभा फंसी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर मतदाता, क्योंकि पहले फेस में चुनाव होना है, पहले फेस में वहां क्या लहर चलेगी, उस लहर के आधार पे भी वहां का मतदाता एक जातिगत आधार पे एक वोट डालने जाएगा। सुबह किस तरीके का लहर होगी, दोपहर में भीड़ कितनी होगी, तो ये एक वोट परसेंट कितना मतदान पड़ेगा इसमें भी डिपेंड करता है। और मेरा यह मानना है कि मुसलमान और हिंदू की जो राजनीति इस प्रदेश में चली आई है, हिंदू मुस्लिम की, एक थोड़ी कैराना और थाना भवन, शामली और मुजफ्फरनगर, ये एक फैक्ट्री है पूरी। ठीक है, ये एक तरह से आपने बिल्कुल कहा कि प्रयोगशाला के तौर पर है। प्रभाजी माफी के साथ आपको रुकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले अतुल के पास चलते हैं। मैं चाहूंगा अतुल मुद्दे बता दें एक बार कि शामली के बड़े मुद्दे क्या क्या हैं। अतुल जी हाँ बिल्कुल रोहित, अगर मुद्दों की बात करें तो पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से सुर्खियों में रही थी, बाकी तो मुद्दे वो रहते हैं, उसके बाद कैराना का मुद्दा, पलायन का मुद्दा था, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बहुत यहां पर रहता है, सड़कों की बात है, मूलभूत जरूरतें, तो यही वो पुराने मुद्दे, और पिछले दिनों की जो घटनाएं थी वो इस बार शायद एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल बराल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे हापुड़ की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे हापुड़ की। एक बार फिर अतुल के पास चलते हैं और अतुल मैं चाहूंगा कि आप बताएं दर्शकों को 2012 में हापुड़ जिले में क्या तस्वीर थी, क्या स्थिति थी। जी बिल्कुल, अगर हापुड़ की बात करें तो तीन सीटें हैं, तीन में से दो सीटें गई थी समाजवादी पार्टी के खाते में और एक सीट गई थी यहां पर कांग्रेस के पार्टी में खाते में। यह है तस्वीर 2012 की रोहित, यानी यहां पर बीजेपी और बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। बहरहाल अब मैं चाहूंगा कि हापुड़ का आप बताएं, हापुड़ में कौन कौन चुनावी ताल ठोक रहा है तुम। जी हाँ बिल्कुल, अब हम शुरुआत करें कि कौन कौन मैदान में है, तो गठबंधन में सीट कांग्रेस को मिली है, गजराज सिंह मौजूदा विधायक हैं। उसके बाद अगर बीएसपी कैंडिडेट की हम बात करें तो श्रीपाल हैं यहां पर, जो कि आठवीं पास हैं, पहली बार मैदान में है। अगर हम बात करें बीजेपी की तो विजयपाल आरती सांसद के करीबी है, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है, और मुस्कान बिखेरने के लिए आरएलडी की तरफ से अंजू मुस्कान मैदान में है। रोहित बिल्कुल लखनऊ रुख करेंगे, अजय जी क्या कुछ कहना है आपका, अगर हापुड़ की बात करें मौजूदा विधायक कांग्रेस के गजराज सिंह, किस तरह की तस्वीर यहां आप देखते हैं। देखिए मौजूदा विधायक इस समय गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गठबंधन की ओर से उतरे हैं, और ये कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है उसका एक हिस्सा ये हापुड़ है। हापुड़ में जिस तरह की सिचुएशन वर्तमान में बन रही है, वो गठबंधन का कैंडिडेट और समाजवादी, इसका भारतीय जनता पार्टी और बसपा, इन तीनों के बीच जिस तरह से सिटिंग एमएलए हैं यहां पर, उनके लेकर के ये गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यही है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा और आखिर तक जाते जाते ये सीधा सीधा संघर्ष जो है गठबंधन में और भाजपा में होगा, मैं ऐसा समझता हूं। बिल्कुल आपका क्या कहना है प्रभात त्रिपाठी जी, हापुड़ की अगर बात करें। प्रभात जी देखिए रोहित जी, हापुड़ की जो गणित है वो पूरी तरीके से एक तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गजराज, जिस गजराज सिंह को उन्होंने समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के में टिकट दिया, एक ठाकुर बहुत एक ठाकुर वर्ग से वो आते हैं और श्रीपाल सिंह, तो ठाकुर वोट का ध्रुवीकरण। देखिए यहाँ पे फिर बात देखने की होगी कि जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पे वहां मत प्राप्त किया था और सारे वर्ग में सेंध लगाई थी, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2014 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो मोदी का चेहरा था 2014 लोकसभा में, अब 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना समाजवादी पार्टी के लिए उस सीट में एक प्लस पॉइंट है, और हापुड़ एक बहुत बड़ा मंडी क्षेत्र है, और आपका ऐसे ऐसे उसमें व्यापारी वर्ग क्या भारतीय नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, यह भी एक देखने की बात है, क्योंकि छोटा व्यापारी वहां पे, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो वहां पे एक, और देखिए जातिगत फैक्टर के साथ साथ हमें यह देखना है कि वहां का क्राइम और वहां के विकास कार्य और वहां की और सारी चीजें क्या जातिगत आधार की राजनीति को, गणित को तोड़ के
क्या वो गठबंधन की राजनीति स्वीकार करती है? क्या वो समाजवादी पार्टी के 5 साल के अखिलेश के कार्यकाल को स्वीकार करती है क्या? तो ये सारी चीजें हैं। ऐसी स्थिति में गजराज सिंह और भारतीय और आरएलडी भी अपने एक पहचान वहां बनाएगी। अंजुम मुस्कान जो उतरी है वो एक कैंडिडेट है वो वोट को काटने के लिए, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन वाला प्रत्याशी, वो एक दिलचस्प मुकाबला है। मुकाबला दिलचस्प होगा आपका ये कहना है प्रभात जी, इस बार हापुड़ में भी को बचा पाती है। जी माफी के साथ आपको रुकूंगा, वक्त कम है और जल्दी से अतुल का रुख करेंगे। अतुल मैं चाहूंगा धौलाना की तस्वीर दिखाएं, जो धौलाना सीट आती है हापुड़ में, वहां पर कौन कहां पर ताल ठोक रहा है। जी हाँ, अगर बात करें धौलाना की तो यहाँ समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। धर्मेश तोमर जो कि मौजूदा विधायक हैं वो चुनावी मैदान में है। अगर बात करें हम बीएसपी की तो असलम चौधरी जो कि पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे और दर्जनों मुकदमे इनकी पहचान है। अगर बीजेपी की बात करें तो रमेश चंद तोमर बड़ा नाम है, 4 बार सांसद रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर आरएलडी की तो आरएलडी की तरफ से नगेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है। रोहित अजय जी के पास चलेंगे। अतुल अजय जी, क्या कुछ कहना आपका अगर धौलाना की बात करें मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी से यहाँ पर? देखिए धौलाना क्षेत्र जो है एक ये मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है उनका अपने है असलम साहब। असलम साहब एक पुराने हो रहे हैं लेकिन इनका एक क्रिमिनल इतिहास भी है, बैकग्राउंड इनका आपराधिक क्षेत्र का भी इनका एक इतिहास है। और 2012 में दूसरे नंबर पर रहे थे चुनाव लड़ते हुए। क्षेत्र इसके चारों ओर एक मिल एरिया बहुत बड़ा है, लेबर बहुत है यहाँ। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि श्रमिकों का एक ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और 3,35,000 की ये जन वो मतदाता वाला क्षेत्र है और इसमें मुस्लिम जो है 22% के आसपास है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अभी स्थिति इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव आते आते क्या मुद्दे हो जाएंगे, किस तरह से ध्रुवीकरण होगा, कौन कौन किस तरह की बातें करेगा, ये निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी यहाँ पर संघर्ष जो है वो त्रिकोणात्मक ही होगा और आरएलडी भी यहाँ कोई ना कोई फैक्टर अपना काम। बिल्कुल, यानी अजय जी कुल मिलाकर स्थिति बड़ी दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है तो जो नतीजे होते हैं वो कई बार बड़े अप्रत्याशित भी होते हैं। इस बार का चुनाव सचमुच अप्रत्याशित है। मैं एक बार प्रभात जी के पास जाऊंगा। प्रभात त्रिपाठी साहब, क्या कुछ कहना आपका धौलाना की अगर हम बात करें? देखिए रोहित जी, मेरा फिर यह कहना है कि ये धौलाना सीट हो या हापुड़ की सीट हो, इसमें समाजवादी पार्टी की एक प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी या आरएलडी के पास कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी को खोने की स्थिति का डर है। ऐसी स्थिति में जब एक श्रमिक बहुल क्षेत्र में 3 पार्टियों ने तोमर प्रत्याशी उतारा है, धर्मेश तोमर और असलम चौधरी। देखिए बीएसपी ने क्या किया कि बीएसपी ने मुस्लिम वोट बैंक जो प्रत्याशी उतारे, उन्होंने जो परिवार की लड़ाई हुई थी समाजवादी पार्टी में, उस परिवार की लड़ाई का फायदा। और देखिए पश्चिम में बीएसपी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर मानती है, तो उसने जो टिकट दिया वो मुस्लिम और तोमर के बीच में एक फंसा। और तोमर जब 3 प्रत्याशी तोमर 3 पार्टी से लड़ रहे हैं तो वोट का ध्रुवीकरण होगा और धर्मेश की छवि, व्यक्तिगत छवि थोड़ी सी ठीक ठाक है। तो ऐसे स्थिति में अगर मेरे हिसाब से कोई मुकाबला होता दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी की गठबंधन प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप सीधी टक्कर देख रहे हैं। प्रभात जी, आप सीधी टक्कर देख रहे हैं, माफी के साथ रुकना पड़ रहा है, वक्त बहुत कम है, एक सीट और बची है। अतुल का रुक करेंगे। अतुल, गढ़मुक्तेश्वर की स्थिति जल्दी से बताएं। जी हाँ, आखिरी सीट की बात करें गढ़मुक्तेश्वर, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मदन चौहान मौजूदा विधायक हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री भी हैं। अगर बात करें इसके अलावा बीएसपी की तो बीएसपी की तरफ से यहाँ पर प्रशांत चौधरी मैदान में है। और अगर यहाँ पर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से कमल मलिक संघ से जुड़े हुए हैं और आरएलडी की तरफ से अयूब अली मैदान में है। रोहित बिल्कुल, अजय जी का रुख करेंगे। अजय जी संक्षेप में क्या कुछ कहना आपका गढ़मुक्तेश्वर सीट का, यहाँ पर किस तरह की जंग आप देख रहे हैं? देखिए गढ़मुक्तेश्वर एक धार्मिक स्थल है, गढ़ है, आप जानते हैं यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ और वो सब होते हैं। अब इसमें संघर्ष जो है, मैं फिर वही देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का प्रत्याशी उतारा है, ये सीट जो है हापुड़ का एक हिस्सा रही है, लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं कि यहाँ पर सीधा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के बीच होगा। बिल्कुल प्रभात जी, संक्षेप में आपका क्या कहना, आप किस तरह की जंग यहां पर देखते हैं?
जी प्रभात जी। जी रोहित जी, सवाल मुझसे। हाँ जी आपसे, गढ़मुक्तेश्वर में आप किस तरह की जंग देखते हैं संक्षेप में? देखिए रोहित जी, जो मदन चौहान प्रत्याशी है, देखिए रोहित जी, जो मदन चौहान प्रत्याशी है वो इस सीट पे एक लीड ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में जी जी अपनी बात पूरी करें। देखिए रोहित जी, आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे अजय भाई ने कहा कि ये पूरी सीट का जो मुकाबला है एक मदन चौहान के साथ एक नाम से जुड़ा हुआ है। मदन चौहान नोएडा में रहते हैं और एक बहुत बड़ी बेल्ट है और ये तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थान है। ऐसी देखिए रोहित जी, पूरा सवाल इस बात का है कि इस पूरे चुनाव बेल्ट में अभी तक जितनी सीटों का आपने बात की है उन सीटों में पूरी तरीके से कहीं किसी सीट पे त्रिकोणीय संघर्ष, किसी पे बसपा भाजपा आमने सामने, किसी पे सपा कांग्रेस गठबंधन बीएसपी के सामने, लेकिन अधिकतर जो दांव पे लगा हुआ है वो बीएसपी और बीजेपी के लिए दांव में लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी के लिए दांव में लगा हुआ है कि गठबंधन के बाद परिवार की लड़ाई के बाद क्या समाजवादी पार्टी ने विकास कार्य के नाम पे जो वोट मांग के वो अखिलेश गए हैं, आज सुल्तानपुर से उन्होंने रैली भी शुरू कर दी अखिलेश ने। ऐसी स्थिति में अखिलेश के चेहरे के साथ जो प्रत्याशी उतरे हैं उनका चेहरा स्थानीय जनता के बीच ठीक है। बड़ी दिलचस्प जंग यहाँ भी, मैं प्रभात त्रिपाठी साहब माफी के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक फाइनल कमेंट बड़े संक्षेप में, वक्त बहुत कम है। अजय जी, हापुड़ और शामली में ज्यादातर सीटों पर किस त्रिकोणात्मक जंग दिख रही है, यानी नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं? बड़े संक्षेप में अजय जी, वक्त कम है, फाइनल कमेंट। रोहित एक बार सवाल संक्षेप में जल्दी से दोहरा दे। जी यानी शामली और हापुड़ की तमाम सीटों पर जंग ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणात्मक है, नतीजे भी अप्रत्याशित हो सकते हैं? निश्चित रूप से रोहित, शामली और हापुड़ ये दो क्षेत्रों में 6 विधानसभा सीटें हैं, कहीं डायरेक्ट हो रहा है और कहीं त्रिकोणात्मक हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो 2014 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह की गतिविधियां इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली, अगर वो हवा चली तो सीधे सीधे यहां ध्रुवीकरण होगा। प्रत्याशी का चेहरा कोई नहीं देखेगा, उसका आपराधिक नहीं इतिहास नहीं देखेगा, ध्रुवीकरण में कोई मुद्दा वहां नहीं रहेगा ना तो वहां। ठीक है अजय जी, अजय जी आपको रोक रहा हूँ। प्रभात त्रिपाठी साहब बड़े संक्षेप में, वक्त कम है, आप अपनी बात रखें, अपना फाइनल कमेंट दें। अजय जी माफी के साथ आपको रोकूंगा। देखिए रोहित जी, मेरा संक्षिप्त में ये कहना है कि ये अजय भाई जी जो बात कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन ये पूरी अग्नि परीक्षा है दो पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी के लिए और बीजेपी के लिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर त्रिकोणात्मक जंग और नतीजे भी अप्रत्याशित हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।